जगन्नाथ भगवान जी से प्रार्थना ये की कि पूरे देश के अंदर खुशहाली हो, समृद्धि हो और अमन चैन और शांति हो और हर व्यक्ति का कल्याण हो। आज आने वाले समय के अंदर किसान हो चाहे आम व्यक्ति हो, उसके चेहरे पर खुशियां हो और निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं और भारत अब विकसित राष्ट्र बन रहा है, तो मैं सोचता हूं निश्चित रूप से भगवान से हमने प्रार्थना की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु हो और इसी तरह से देश की सेवा करते रहें। और मैं निश्चित रूप से आज भगवान के दर्शन करके और अपने आप में एक ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसानों के चेहरे पर खुशी हो और निश्चित रूप देश में खुशहाली हो। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने तब से जो योजनाएं बनाई है वो किसान के कल्याण की योजनाएं बनी है। बजट को बढ़ाया है, जहां पहले सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट था, अभी 1,25,000 करोड़ रुपये यानी कि 5 गुना कृषि का बजट बढ़ा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों तक पहुँच रहा है, नई टेक्नोलॉजी किसानों को मिल रही है और KCC के माध्यम से उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है और लगातार किसानों की इनकम बढ़ रही है। और आने वाले समय के अंदर किसान खुशहाल होगा तभी तो देश खुशहाल होगा। और जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो विकसित राष्ट्र होगा तो किसान के रास्ते होते हुए ही हम विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि आने वाले अब आज़ादी का अमृतकाल है और हमारा आज़ादी के जब 100 साल हों तो हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने और उसमें किसानों का भी निश्चित रूप से योगदान होगा और पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा, तभी तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा।